सब्सक्राइब कीजिए छवि क्लासेस को और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल 2 के लिए जो अभी आवेदन क्रम चल रहा है, आप इस फॉर्मेट की तरह आवेदन करें, जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। आपके सामने एक अभ्यर्थी द्वारा सफल आवेदन किया गया है, तो आपके सामने ये रख रहे हैं, आप इसको चेक कर लें। अगर आपके कुछ मिस्टेक हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकेंडरी लेवल जिसमें आपको नाम लिखना है, परीक्षा का नाम सेकेंडरी, विषय समूह ऑल सब्जेक्ट्स, और किस विश्वविद्यालय से किया गया है या बोर्ड से किया गया है, तो BSR माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखें यहाँ पर, उत्तीर्ण होने का वर्ष लिखें और अवधि लिखें, यानी कितनी अवधि में आपको आपने इसको उत्तीर्ण किया, तो इसमें 12 महीने हो गए। फिर परिणाम, फिर प्रतिशत लिखें यहाँ पर, और कुल अंक लिखें, कुल प्राप्तांक, यानी कितने में से कितने अंक आपने प्राप्त किए, और इस प्रकार आपको आवेदन करना है। फिर सीनियर सेकेंडरी में आपके जो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर लिखें, फिर बोर्ड का नाम, रोल नंबर, पासिंग ईयर और ड्यूरेशन लिखें मंथ के रूप में, और प्रतिशत लिखें। फिर ग्रेजुएशन के जो परसेंट हैं वह लिखें, और कुल अंक, कुल प्राप्तांक, इस प्रकार आप इससे भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी आपने अगर MA कर रखा है तो उस डिग्री को ज़रूर संलग्न करें, जिससे कि आने वाले वर्षों में अगर आपका प्रमोशन हो तो इसी बेस्ड पर हो सके। और इसमें जैसे रोल नंबर, प्राप्तांक वगैरह इसी अनुसार आपको भरना है। और जो इसकी BEd की डिग्री है, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd, इसमें जो टीचिंग सब्जेक्ट थे सिविक्स एंड संस्कृत, तो इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, और इस प्रकार इसको परसेंट भरें। फिर RTET या रीट की जो मार्कशीट है इसके सब्जेक्ट भरें, और इसी के अनुसार इसमें परसेंट लिखें। और आपको ध्यान रखना है, बहुत से अभ्यर्थी RTET रीट का जो 2018 लिख रहे हैं वो 2017 की भर्ती है, तो इसमें ध्यान दें थोड़ा और 2017 ही लिखें। फिर जो स्नातक के विषय थे उसको उसी अनुसार क्रम में लिखें, और ये सब्जेक्ट आपको लिखने होंगे, और इस प्रकार इस डिटेल को भरना है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ, जिससे कि उनको पता चल सके कि इस प्रकार आवेदन करना है, और अपने आवेदन अगर आपने कर दिया है तो इस आवेदन से उसको मिलान कर लें। धन्यवाद।